नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बिहार के सीतामढ़ी गोपालगंज में कथित जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। छठ पर्व और उसके बाद हुई मौत के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने लोगों की मौत के बाद सरकार से सवाल पूछा है कि ये कैसी शराबबंदी है। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम संरक्षण जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। पूर्व सीएम मांझी ने शराबबंदी से हुई मौत पर कहा कि नीतीश कुमार किश्तों में मौत क्यों बांट रहे हैं, जनरल डायर की तरह लोगों को लाइन में खड़े कर क्यों गोली नहीं मार देते हैं। मांझी ने ट्विटर पर लिखा, जहरीली शराब के नाम पर दलितों को थोड़ी थोड़ी मौत क्यों बांटी जा रही है। नीतीश जी, एक ही बार में जनरल डायर टाइप लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए, आपके नफरत का अंत हो जाएगा। जहरीली शराब से हो रही मौत को नहीं रोक सकते तो शराबबंदी कानून का क्या मतलब है। कम से कम गुजरात ने तो सबक लीजिए। दरअसल बिहार में कथित जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। महापर्व के छठ के नहाए खाए और करना के दिन 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि गोपालगंज में पिछले 2 दिनों में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई। लोगों की मौत के बाद उनके परिजन जहरीली शराब पीने से बीमार होने और फिर इलाज के दौरान मौत की बात कह रहे हैं, जबकि पुलिस कह रही है कि लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों के परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, जबकि पुलिस मौत की वजह बीमारी बता रही है। इसके बाद बीजेपी भी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि जहरीली शराब पीने से सीतामढ़ी और गोपालगंज जिले में 10 लोगों की मौत हुई है, पुलिस मौत की वजह बीमारी बता रही है। इसमें साबित होता है कि वो शराब माफियाओं से मिली हुई है। इसके साथ ही महागठबंधन सरकार की शराबबंदी के दावे की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।